घर में पूजा हो रही है, तो चलिए हम आपको अंदर लेके चलते हैं, दिखाते हैं अंदर की क्लिप। ये पूजा घर की शांति के लिए हो रही है, सुख समृद्धि के लिए हो रही है। ये पूजा बहुत लाभकारी है और ये मम्मी ने पापा ने पूजा करवाई है, जिसके लिए हम सब लोग गोंडा से अपने गांव आए हैं। ये हर प्रकार की बाधाओं को दूर करती है, घर में सुख शांति प्रदान करती है। 7 पंडितों ने मिलके ये पूजा की थी और कहते हैं पंडित जी हमारे जो थे वो एक ही टाइम भोजन कर रहे थे, अपने हाथ से बना के, किसी का छुआ हुआ वो नहीं खाते थे। और यहाँ पर देखो उसी हवन जो पूजा हो रही है, उसी हवन की तैयारी के लिए मम्मी यहाँ पर देखिए पंडित जी फलाहार कर रहे हैं। एक ही टाइम ये भोजन करते हैं और इस टाइम ये फलाहार कर रहे हैं, इसी के बाद से पूजा स्टार्ट हो जाएगी। ये पहला दिन था पूजा का और यहाँ पर देखिए 108 दिए जलाए गए थे। ये घर की सुख शांति के लिए और कोई वैसे वो नहीं थी। ये देखिए हम पूरा परिवार, खाली इसमें परिवार के लोग शामिल हो सकते हैं, बाहरी लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो ये मेरा पूरा परिवार है और यहाँ पर देखिए ये 108 दियों की दीप जलाकर यहाँ पर हम लोगों ने इसका परिक्रमा की थी और ये पूजा बहुत अच्छी थी। और जो हमारे यहाँ पंडित आए थे उन्होंने बहुत विधि पूर्वक ये पूजा कराई थी, काफ़ी अच्छा लगा हम लोगों को ये पूजा में। और हम लोग फिर आगे भी ऐसी पूजा करवाते रहेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दो। ये देखिए यहाँ पर शाम की आरती हो रही है, जो हमारे 9 ग्रह बैठे हुए थे उनकी आरती हो रही है। यहाँ पर मम्मी पापा पूजा करा चुके थे आरती और यहाँ पर हम लोग बारी बारी से सब लोग कर रहे थे, जितने लोग सदस्य थे हमारे घर के, तो सब लोगों ने ये आरती की है। और वीडियो प्लीज़ फुल वॉच करिएगा आप लोग, पूजा की वीडियो है। आप लोग भी आशीर्वाद लीजिए, भगवान आप सब लोगों का भी कल्याण करें, आप लोगों की भी सारी समस्याएँ भगवान दूर करें। यहाँ पर देखिए भूमि आरती कर रही है धीरे धीरे, सब लोगों ने यहाँ पे आरती में भाग लिया है। और सच में ये पूजा में शामिल होकर तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और ये देखिए दूसरे दिन की पूजा है, यहाँ ये सुबह का टाइम है। हम लोग फूल पापा लेके आए थे और नहा धो के मैं भगवान के लिए माला बना रही थी वहाँ पर, मतलब भगवान। ये देखिए पिंडी रूप जो बैठी हुई है माता रानी, इन्हीं के लिए मैंने माला बनाए थे, सबके लिए बनाए हैं यहाँ पर मैंने इस तरीके से। और ये देखिए यहाँ पर सारे पंडित जी भी बैठे हुए हैं, भाभियाँ भी बैठी हुई हैं। मैंने माला, छोटे वाले माला मैंने 12 बनाए थे और बड़े वाले 9 माला बनाए थे मैंने। ये देखिए इसी तरीके से हमारी सारी पूजा हुई थी। इसी पूजा के लिए मैं गोंडा से गांव आई हुई थी, यही पूजा में शामिल होने के लिए। और ये हमारा पूरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है। और कैमरा तो भूमि के हाथ में था तो मुझे नहीं पता उसने किसको किसको लिया है। ये दोनों मेरे देवर बैठे हुए हैं, ये लाल टी शर्ट तो दोनों ने पहन रखी है। और ये देखिए यहाँ पर अक्षत है, ये पूजा हो रही है तो अक्षत चढ़ाया जा रहा है। ये हमारा कल्लू प्रसाद है, मेरा छोटा सा बाबू। और यहाँ पर देखिए मम्मी पापा हैं। अब प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें इस वीडियो को। यही माले मैंने बनाए थे, देखिए सारे माला बनाए थे और इस तरीके से सब भगवान जी को चढ़ाए गए हैं। काफी फूलों की जहाँ पे जरूरत लगी थी, पूरी फूल से वेदी ढक गई थी इस तरीके से। अब प्लीज़ भाई मैं बार बार यही कह रही हूँ, वीडियो फुल वॉच करना आप लोग। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। और मेरे तरफ से भी जो कोई हेल्प होगी मैं कर दूँगी आप लोगों की भी। और प्लीज़ वीडियो देखा करिए आप लोग, मेरा इस टाइम वीडियो बिल्कुल भी नहीं अच्छा चल रहा है कोई भी, और काफ़ी मेहनत मैं भी कर रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो देखिए आप सब लोग, यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए। देखिए दक्षिणा चढ़ाई जा रही है, फल फूल चढ़ाए जा रहे हैं, सॉरी यहाँ पर अभी गणेश भगवान जी को फल चढ़ाया गया है।
और ये देखिए यहाँ ये हमारी जो काली जी का मंदिर है हमारे आंगन में, उनके लिए भोग आया है वहाँ से। ये देखिए मेरा छोटा वाला देवर भोग लेके आया है वहाँ से, पंडित जी इनके लिए भी भेजे थे। और यहाँ पर ये जो मंदिर के प्रांगण में मूर्तियाँ रखी हुई हैं उनको भी भोग लगा दिया गया है। ये छोटा वाला देवर है मेरा। और हम पंडित जी की देखिए फलाहार की तैयारी कर रहे हैं। मूंगफली उबली है, इनको फ्राई किया गया है। ये सुबह का टाइम जा रहा है और आज पूजा का लास्ट टाइम था, तो पंडित जी हम ही लोग के हाथ का बना हुआ खाना खाते। तो यहाँ पर बिगर लहसुन प्याज का हमने आलू मटर की सब्जी बनाई है और एक सूखी सब्जी मिक्स सब्जी बनाई थी। ये देखिए हवन की तैयारी हो रही है। हवन होने से पहले ही मैंने खाना बना लिया था, खाली हमें पूड़ी बनानी थी और आज एकादशी थी तो चावल नहीं बनना था, मतलब खीर नहीं बननी थी। और सारी पूजा समाप्त होने के बाद में ये लास्ट में आरती हो रही थी और यहाँ पर मम्मी पापा को प्रसाद दिया जा रहा था। ये हमारी पूजा लास्ट है।